चुनाव खत्म भइल और हम खत्म होते सीधे सीधे उस जगह पे आ गए जिसकी चर्चा आज पूरे संसार में है। भैया हो दीदी हो, अब हमन के जो बनारस के बासिंदा हैं, वैसे तो काशी शिव जी के त्रिशूल पे बसी है। शिव त्रिशूल पे बसी नगरिया, लोगवा बोले काशी। और जौने काशी में कोई भूखे ना रहे, ऐसे हमारे शिव अविनाशी, ऐसे हमारे शिव अविनाशी। उसी नगरी में जौने गली में खेल खेल के मनोजवा बढ़ल बा, वहीं पे मनोज तिवारी के दिल्ली से भेजल जाता जाओ, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज मेरा बहुत सम्मान हो रहा है। रविंदर जायसवाल जी, आप लोग के विधायक जी, हमनी के संगे संगे मोटरसाइकिल पर घर घर घूमत रहे। जब हम लोग घूमत रही मोटरसाइकिल पे, तो हमें का मालूम रहे कि मोटरसाइकिलिया पर घूमे वाला एगो विधायक मंत्री हो जाए, एगो सांसद हो जाए। लेकिन विधायक होना, मंत्री होना, सांसद होना एक बात है, और मोदी का सिपाही होना सबसे बड़ी। भैया गलत कह रहे, हम सभी हैं मोदी जी के सिपाही। अब हो रहा है, पक्का जान लीजिए, अब हो रहा है इस देश में 2024 में 400 के पार, क्योंकि हम हैं मोदी के, हम हैं मोदी के। थोड़ा जोर से बोली है, हम हैं मोदी के परिवार। अभी अभी हमको इस विधानसभा के प्रभारी जी, ओ भैया कहाँ से आए, जौनपुर के रहे वाला हूँ, मदनी विधानसभा में कभी गए रहने तो भेंट भइल रहे, और कई प्रवासी लोग से भेंट भइल, कोई एटा से, और जितना लोग हमें माला पहनौले बा, वो माला पहनाने वाले कोई पार्षद जी, कोई मंडल अध्यक्ष जी, कोई मंडल के महामंत्री, कोई महिला मोर्चा अध्यक्ष, कोई वही में मंत्री पदाधिकारी। तो देखो भैया, जे माला पहनौले बा,
ओकरा कम से कम 5,000 वोट निकाल के डलवावे के पड़ी। तो ऐसा होगा ना, जो जो यहाँ आके बैठे हैं, सर पे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की जो ये जो कैप है, इसको क्या कहेंगे हम, ये टोपी, ये जब सर पे आ गई तो जिम्मेदारी भी तो लेके आई वाला हो, वो जिम्मेदारी पूरी होगी। कौन कौन पूरी करेगा, दोनों हाथ उठा के बताएंगे। मेरे भैया, आप लोग तो देख रहे हैं कि पंचकोसी पर आयल बा मनोज तिवारी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने जाता तीसरी बार। दो तीन बात आपको और बताना चाहते हैं। देखिए, हम तो एक गायक कलाकार थे, आज भी गाना गाते हैं, अभी भी सुनाएंगे आपको। और हम सिनेमा में भी काम करते थे, करते हैं, अभी थोड़ा कम कर दिया है, नहीं कर दिया। क्यों, आपके मन में आता होगा यार मनोज भैया फिल्म काहे नहीं के करत, तो सिंपल सी बात, बाकी फिल्म तो मैं रोज कर रहा हूँ, लेकिन अब रील वाली नहीं कर रहा हूँ, अब रियल वाली कर रहा हूँ। जो फिल्म हम कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम है मोदी है तो सही बोले कि नहीं बोले। अब जो मनोज तिवारी फिल्म कर रहा है, उसका नाम है मोदी है तो अच्छा, देखो क्या क्या मुमकिन हो गया भैया। हम लोग वही बनारस में रह रहे थे और इसी बनारस के आसपास जाते थे, याद करना ज्यादा दिन नहीं बीता है मेरे भाई बहन, गांव गांव घर घर में आप लोगों को तो याद होगा, कुछ बात याद होगी, जैसे घर घर इज्जत घर बन गया, उसको टॉयलेट नहीं कहते, क्या कहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत बनी कि नहीं बनी, बीमारियों से वो बची कि नहीं बची। घर घर गैस कनेक्शन पहुंच गया, हमार माई जब दूध अवांट के और दही बनावत रहे, ओकरा में से घी निकले के व्यवस्था होत रहे, तो हमार जब गौवा पर जाए तो हमार घरवा एकदम छतवा करिया रहे। आप लोगों का भी देखा होगा ना, अब मैं जाता था तो बार बार कई बार पेंट वेंट कराए, पहले तो पैसा नहीं था, लेकिन जब गाना गाने लगे तो करवाने लगे, और जब करवाई तो फिर 10 दिन में करिया हो जाए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दर्द देख लिया और अब कोई के घर करिया नहीं होत हुई। अब तो एगो लोहा के छोटी सी मशीन आवता, खट से मारता, गैस जरे लगाता और नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाने का मन करता। अभी कैसा कैसा मोदी है तो मुमकिन हो जाता है भैया बता रहे, लेकिन सब कुछ के बावजूद बीमारियों से वो बची कि नहीं बची। घर घर गैस कनेक्शन पहुंच गया, हमार माई जब दूध अवांट के और दही बनावत रहे, ओकरा में से घी निकले के व्यवस्था होत रहे, तो हमार जब गौवा पर जाए तो हमार घरवा एकदम छतवा करिया रहे। आप लोगों का भी देखा होगा ना, अब मैं जाता था तो बार बार कई बार पेंट वेंट कराए, पहले तो पैसा नहीं था, लेकिन जब गाना गाने लगे तो करवाने लगे, और जब करवाई तो फिर 10 दिन में करिया हो जाए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ये दर्द देख लिया और अब कोई के घर गलिया नहीं होत हुई। अब तो एगो लोहा के छोटी सी मशीन आवता, खट से मारता, गैस जरे लगाता और नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाने का मन करता। अभी कैसा कैसा मोदी है तो मुमकिन हो जाता है भैया बता रहे, लेकिन सब कुछ के बावजूद अगर आप गिनना शुरू करिए तो बहुत टाइम लगेगा। एक दिन मोदी जी हमारे क्षेत्र में आए थे, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं ना, मालूम है ना, नमो हैट्रिक की है बारी और फिर तीसरी बार मनोज तिवारी। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां भी लड़ रही है क्या? यहां कौन लड़ रहा है? कांग्रेस केवल नाम मत लड़ रही है, अपनी जमानत जब्त करा चुकी है। अच्छा अच्छा वही, हाँ हाँ, मेरे कहे के मतलब बातें ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को अपना नेता बनाया है। एक आदमी है इस देश में जो नारा लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो नारा लगाता है। एक अफजल नाम का आतंकवादी था, संसद पे हमला किया, न्यायालय ने उसको फांसी की सजा दी, वो नारा लगाता है कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। क्या हर घर से आतंकवादी निकालने के लिए हमारा समाज चाहता है? वो भारत की सेना को गाली देने वाला, आप लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस उसको प्रत्याशी बना रही है जगह जगह जो दुर्गा जी की पूजा नहीं करते, जो महिषासुर की पूजा करते। माने अब कांग्रेस महिषासुर के रास्ते पे है। अब ये बात अगर आपके दिमाग में जाएगी तो एक बार तो सोचोगे भैया कह क्या रहा है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज पूरे संसार में जिस शहर का पहचान ऐसा है कि उसके लिए हम एक कविता कह सकते हैं कि पता नहीं किसने काशी से छुआ दिया ये पारस है, पता नहीं किसने काशी से छुआ दिया ये पारस है, और सारा दुनिया जहां से चल रहा है उसका नाम बनारस है। सारा दुनिया जहां से चल रहा है उसका नाम बनारस है। हम लोग सुन ले तो रहनी कि तीनों लोक में अलग नगरिया हमरी भोला काशी, लेकिन मोदी जी ने उसको बना दिया। भैया एक घटना है आपको जरूर याद रखनी चाहिए, जब गांव में आप बैठते हैं गली में बैठते हैं तो उसको बताइएगा। आज भी टीवी खोलेंगे तो दो देशों में युद्ध हो रहा है, एगो के नाम रूस और दूसरे का नाम यूक्रेन। वो युद्ध शुरू हुए अब लगा था कि दोनों खत्म होके मनिया सब, लेकिन उसमें याद रखने वाली बात क्या है मेरे बनारस के भैया दीदी, मेरे पूर्वांचल के भाई बहन, मेरे भैया लोग जो दाहिने खड़े हैं, बाएं खड़े हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, पीछे खड़े हैं, जो सड़क पे खड़े हो गए हैं, जो सामने खड़े हैं, जो मंच पे बैठे हैं, याद रखिए हमारे 23,000 देश के बच्चे जो यूक्रेन में गए थे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने, युद्ध में फंस गए। चारों तरफ से बम गोला गिरने लगा, बच्चे अंदर जाके कहीं वो अंडरग्राउंड में छुपे के बैठ गए। उसी में से किसी ने फोन किया, देश के प्रधानमंत्री तक खबर गई, देश के प्रधानमंत्री को 23,000 बच्चों की चिंता हुई। एक बच्चा बोरवेल में गिर जाता है ना भैया, पूरा देश खड़ा हो जाता है।
एक बच्चा अगर बोरवेल में गिर जाए ना, आप टीवी से हटते हैं, आप रात दिन उसी पे खड़े रहते हैं कि जब तक बच्चा निकल न जाए। 23,000 भारत के बच्चे यूक्रेन में बम के बीच फंसे। कौन है आपका सांसद? सोचिएगा। मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति को फोन किया, युद्ध रोको, हमारे बच्चे फंसे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मोदी जी मैं तो रोक दूंगा लेकिन दूसरे वाले को कौन रोकेगा? मोदी जी ने कहा मैं बात करता हूं। फिर मोदी जी ने यूक्रेन के जेलेंस्की नाम है उसका, उसको फोन किया, प्रधानमंत्री को। आप सोचो हम कौन है, क्या भारत बन गया मेरे भैया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री को मोदी जी ने कहा, देखो भाई मेरे 23,000 बच्चे फंसे हैं, अगर तुम लोग युद्ध नहीं रोकोगे तो हम अपने तरह से पेश आएंगे। अगर आप लोग हमारे बच्चों को कुछ हुआ, 2 घंटे का भाषण दे सकते हैं रविंद्र जायसवाल भैया, 2-2 घंटे के भाषण दे सकते हैं देश के नेता, लेकिन 5 मिनट में समझना। मेरे काशी के भैया लोग, दीदी लोग, मोदी जी ने कहा कि युद्ध रोको, हमारे बच्चों को निकालना है। दोनों देशों ने पूछा हम कैसे पहचानेंगे आपके बच्चे जा रहे हैं कि आतंकवादी जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि बस पे तिरंगा लगा दो और जब तक बस नहीं पार होगा, बस चली और तब तक जब तक वो बस बच्चों को निकाल करके एयरपोर्ट पे नहीं ला दी, तब तक दोनों तरफ का युद्ध बंद था। ये किसकी पावर थी, ये किसका पावर था? आप कहते हैं मोदी का पावर था, लेकिन मोदी जी कहते हैं ये कमल का बटन दबाने का पावर था, ये काशी के लोगों का प्यार था मोदी जी के लिए, पूर्वांचल का, जो जाति छोड़ के धर्म छोड़ के एक ही बात कहते हैं, हमें मोदी जैसा चौकीदार चाहिए। और एयरपोर्ट में क्या खड़ी थी? एयरपोर्ट में भारत की एरोप्लेन खड़े थे। मेरे चुनाव क्षेत्र में 21 बच्चे आए। जब मैं एक बच्चे के घर गया तो मुझे मोदी जी समझ के उसकी माता जी लेट गई थी। ये छोटा छोटा उदाहरण है मेरे भैया, ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल सकते। अरे सब तो छोड़िए ना, आप खुद ही सोचिए, कितने दिन से नारा लगा रहे थे, रामलला हम आएंगे और मंदिर में ही क्या कहते थे। कांग्रेस कहती थी जितने पैसे लगाना है लगा दो, जितने बड़े बड़े वकील खड़ा करना है खड़ा कर दो, राम जी का मंदिर बनना नहीं चाहिए। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे जिद करके खड़े थे, अरे भैया तुमको अगर इस देश से प्यार होता ना तो पता चलता कि यहां तो खुशी में भी राम राम होता है और अगर कहीं कोई चोट लगी तो भी मुंह से राम राम, हे राम निकलता है। उस राम के मंदिर को तुम नहीं बनने देना चाहते थे, तब हम यहां कहेंगे कि जिसने भारत का गर्व बढ़ाया उस मोदी को लाना है। कहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप मेरे साथ कहेंगे, कहेंगे एक बार एक वीडियो बनाए मोदी जी के लिए? ठीक है, आप इतना ही कहो कि उस मोदी को लाना है जिसने भारत का गर्व बढ़ाया, उस मोदी को लाना है। मुट्ठी बांध के बोलो तो वीडियो अच्छा बनेगा। जिसने भारत का गर्व बढ़ाया, उस मोदी को लाना है। जिसने घर घर में गैस भिजाया, उस मोदी को लाना है। करोड़ों इज्जत घर बनवाया, उस मोदी को लाना है।
चांद पे भारत को पहुंचाया, उसको भी को लाना है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया, उसको भी को लाना है। जिसने दुश्मन के घर घुसकर मारा, उसको भी को लाना है। अभिनंदन को वापस लाया, उसको भी को लाना है। सेना को राफेल दिलाया, उसको भी को लाना है। जिसने राम मंदिर बनवाया, उसको भी को लाना है। ऐसे बहुत सारी लाइनें आप कहेंगे और आपको सैकड़ों होते जाएगा। मैं तो मनोज तिवारी में तो ज्यादा बोलना जानता नहीं, मैं तो बोलते बोलते खुद मेरा मन भर जाता है, मेरी आंखों में आंसू आने लगते। अभी मोदी जी हमारे क्षेत्र में आए थे, बोले मनोज मैं तुम्हारे क्षेत्र में आऊंगा। हमने कहा कि अरे आप नहीं भी आएंगे ना, आप खाली एक तो वीडियो में कह दीजिए कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली, उतने में 5 लाख वोट से जीत जाऊंगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचार करना, इसमें भगवान राम की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। ये टोपी पहन लेना, ऐसे सभा कराना, गली गली जाना। आपको मालूम है मुझे तो रविंद्र भैया ने यही खाली कार्यक्रम दिया था, लेकिन मैं उतरा एयरपोर्ट उतर के पहले वो चंदौली का लोकसभा का पड़ता है, शिवपुर विधानसभा है ना, चंदौली में है ना, हरुआ तो पुलवा जो नीचे वो जो जाता है उधर रास्ता रिंग रोड वाला, वो करे नीचे में रुक गई ली और कहनी कि हमारे संगे प्रभुनाथ थे, गुड्डू महाराज जी थे, अमित रमानी थे, हमके चलो चाय पीते हैं। तो लोग बोले भैया चलो चाय पियेंगे घर में, उनके बाप मर। आजकल घर में चाय पिया जाता है, आजकल ये टोपी लगाइए, चाय की दुकान पे जाइए, चाय पीते हुए 5 और लोग बैठे हैं, उनको कहिए देखो भैया वोट ऐसी जगह देना कि जब अयोध्या में जाओ तो राम जी से नजर मिला सको। वोट ऐसी जगह देना कि जब अयोध्या जी जाओ तो राम जी से नजर मिला सको, क्योंकि जो 500 साल से टेंट में पड़े थे, तिरपाल में पड़े थे, उनको लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भव्य भवन में ला दिया, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कह रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि राम जी को तिरपाल से भव्य भवन में लाने वाला वो है जिसने मोदी जी को पीएम बनाने के लिए कमल का बटन दबाया। अरे एक बार फिर से बीजेपी के तू अपना लिया, एको गाना बने ले वाली कि एक बार फिर से बीजेपी के तू अपना लिया। अपना मोबाइल निकालो, रिकॉर्डिंग करो, गाना तो रिकॉर्डिंग में नहीं है, आप लोग कर लीजिए, नजर मिला सको, क्योंकि जो 500 साल से टेंट में पड़े थे, तिरपाल में पड़े थे, उनको लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भव्य भवन में ला दिया, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कह रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि राम जी को तिरपाल से भव्य भवन में लाने वाला वो है जिसने मोदी जी को पीएम बनाने के लिए कमल का बटन दबाया। अरे एक बार फिर से बीजेपी के तू अपना लिया, एको गाना बने ले वाली कि एक बार फिर से बीजेपी के तू अपना लिया। अपना मोबाइल निकालो, रिकॉर्डिंग करो, गाना तो रिकॉर्डिंग में नहीं है, आप लोग कर लीजिए रिकॉर्ड और अपने अपने यूट्यूब पे डाल दो, मैं किसी को क्लेम नहीं मारूंगा। अरे एक बेर फिर से मोदी जी के, एक बेर फिर से बीजेपी के तू अपना लिया।
अब मोदी के जिताई दिया हो, अपने बूथ पे जाके कमल के बटन दबाई दिया, मोदी के जिताई दिया हो। अरे सुखवा के बाटे, सुखवा के बाटे जे बड़हर जराही, मोदी जी तबाड़े हो सनातन के सिपाही। अरे काशी के घर घर में संदेशा पहुंचाए दिया, अरे काशी के घर घर में इस संदेशा पहुंचाए दिया। आप मेरे साथ मोदी के जिताए दिया हो। अरे आइल बा मनोज तोहरे घर के दुआरी, आइल बा मनोज आज पच कोसी दुआरी, अरे मोदी के बनावल जाई पीएम तीसरी बार, अरे अपने बचवन के भविष्य खुद सजाई लिया, अपने बाल बच्चन के भविष्य तू बनाई लिया, मोदी के जिता। अब का होई इहो याद रखल जा कि 70 साल के माई बाप 5 लाख के इलाज पहिए, किसी के भी माता पिता जो 70 साल के होंगे अब वो अगर बीमार हुए तो आपको पैसा नहीं लगाना होगा, वो चाहे गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो या कोई हो, कि 70 साल के बुजुर्गन के हो ही जब बीमारी तो मोदी 5 लाख के दवाई करी है जारी। अरे अपने माई बाप के आंसू तू पूछवाई दिया, मोदी के जिता। और अब के बारे एक और काम करे के बा, अरे अब त अयोध्या से आगे बढ़े गाड़ी, अब त अयोध्या जी से आगे बढ़ी गाड़ी, आहो गइल बा अब त मथुरा जी के तैयारी, अरे हो गइल बा अब मथुरा जी के तैयारी, अरे मोदी जोगी जी के पावर और बढ़ाए दिया, मोदी जोगी जी के पावर और बढ़ाए दिया। रविंदर मनोज तिवारी के भी तनिया के बढ़ाए दिया। भाई जीत में हमनियों के थोड़ा बहुत तो नहीं ना, आज कल सूतक नहीं खा, जागा तड़े भागा तड़े। और मोदी जी के सेना के सिपाही लगातार, क्या बात है। लेकिन एक बात और कहेंगे कि अब के पीओ के अब के पीओ के रास्ता खुलवाई दिया, मोदी के जिता। अब के 400 पार सुन गाई दिया, मोदी के जिता।
एक बार दोनों हाथ उठा के बोली मोदी के जीता। हमारे रविंदर जी बोल रहे एक लाइन और जोड़िए, बोलिए क्या जोड़े। काशी काशी के 10 लाख के पार करा। हाँ ये बच्चा, ये भी जरूरी है। अरे अब की बार बनारस लोक सभा हो जाए तैयार हो, आहो फेके चाही मार्जिन 10 लाख पार हो। ये हो सकता है, जिसने आपके लिए इस तरह से सब कुछ सजा दिया उसके लिए करना क्या है, खाली बस अपने घरवा के सब वोट ले जाके और बूथ पे पहुंचा दिया कि अब के बार हो जाए काशी में 10 लाख पार हो। अरे मनोजवा के आइल तू और सफल बनाई दिया मोदी के जीता। ये कविता जरूर है लेकिन इस कविता के एक एक शब्द में सच्चाई है कि नहीं है मेरे भैया। 1 जून को मोदी जी को 400 का पार। अभी तक देश में आज सवेरे मेरी बात हो रही और अंत में चुनाव है, ज्यादा ताकत भरी। बाकी तो बनारस के बहुत लोग हमारे परिचित बाटे, कोई क्रिकेट खेलत रहे, कोई मोटरसाइकिल पर घूमत रहे, कोई हमने ऊर्जा भरने के लिए। और इस कार्यक्रम में कृपया आप लोग मंच साथ में सबके जीवन, हम सब यहाँ पे जीवन में बैठे हैं, हम सबके जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे काम का भी हो, उसके लक्ष्य का जीवन का एक है कि हम विपक्ष हताश और निराश है। हमारे ऊपर 6 चरणों के चुनाव ने जो उसकी रुझान दिखाई पड़ रही हो, भाजपा 360 क्रॉस कर चुकी है और इस कारण से विपक्ष के हो चाहे अखिलेश चाहे राहुल ये बकुलाहट में बात कर रहे हैं और 4 तारीख को बोलने वाले हैं कि ईवीएम गलत था। ये 4 के बाद बोलेंगे, अभी ये बोल रहे हैं तो हमारे पड़ोसी को भी तो मिलना चाहिए। हम लाभ पाए पड़ोसी को भी तो लाभ है, अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलवाना है, इसलिए हमें फिर से मतदान करते समय बढ़ चढ़ के दिखाना। बनारस की जनता ने इनको इनकार कर दिया है, जो यहाँ के प्रत्याशी है वह चुनाव लड़ा है 6ठी बार और 6ठी बार चुनाव में लगातार न फर्स्ट पर न सेकेंड पर है, हर बार वो 3rd पर है और इस कारण से हताश निराश लोगों के बारे में क्या जवाब दिया जाए। आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और आप लगातार जो बड़े जो जितने भी लीडर्स हैं नेशनल सब यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या माहौल? नहीं देखिए क्या है कि यह अंतिम चुनाव रह गया है, जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, पदाधिकारी खड़े हो चुके हैं, वो सारे लोग कहीं न कहीं अपना सेवा दे रहे हैं। जैसे कि सब लोग को देखने में आसान, कुछ ही पलों में हम लोगों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कह रहे हमारे अब डर गए हैं, दिल्ली पूर्व के सांसद डरे, हमने 360 हम पा चुके हैं 6 चरणों में और इस कारण से उनका निराशा में बात कर रही हूँ।